हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2, जिसे प्यार से हम लोग टॉस 2 भी कहते हैं, फॉर RGPB यूनिवर्सिटी। तो आज हमारा यूनिट कौन सा स्टार्ट होगा बेटा? टॉस 2 का यूनिट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चलिए बेटा, तो कुछ बातें हैं जो टॉस 2 स्टार्ट करने से पहले आप समझ लो, वरना टॉस 2 में आपको बहुत दिक्कत होगा। चलिए, सबसे पहला बात क्या बेटा? सबसे पहला बात ये कि आपको शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, जो कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना था। सबसे पहली बात तो आपको ये आना चाहिए, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद बेटा आपको टॉस 1 का, ठीक है, आपको टॉस 1 का मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आना चाहिए। देखो बेटा, एक बात समझना, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपका टॉस 1 में भी था, और इसी का एडवांस फॉर्म है आपका टॉस 2 में। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एडवांस फॉर्म है। अब एक बात आप समझना, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं आता है, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिसको आपका टॉस 1 का मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी नहीं आता है, तो अगर आपको ये दो चीजें नहीं आती है बेटा, तो आप टॉस 2 तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना। आप टॉस 2 स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टॉस 2 स्टार्ट कहां से होगा? टॉस 2 स्टार्ट होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के एडवांस फॉर्म से। तो भैया, इस वाले फॉर्मेट को पढ़ने के लिए, मतलब टॉस 2 पढ़ने के लिए, आपको सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आना चाहिए, जिसके लिए मैं 9 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। सीख लो भैया, बिना SFD BMD के आपका होने ही नहीं वाला, एक सिविल इंजीनियर का काम चलेगा ही नहीं। तो आपके 9 लेक्चर्स हैं SFD BMD के, आप सबसे पहले SFD BMD को पढ़ोगे, और उसके बाद बेटा आज मैं यहाँ पे टॉस 2 का अनाउंसमेंट जरूर कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे लेक्चर ऐड करूंगा टॉस 1 का, क्योंकि जब तक आपको ये दो चीजें नहीं आएंगी ना, जब तक आपको SFD BMD और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टॉस 1 का नहीं आएगा, तब तक आप टॉस 2 पढ़ ही नहीं सकते। कोई कितना भी सर पटक ले, कोई मतलब वाली बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाकर सबसे पहले सिलेबस का वीडियो देखिए, ठीक है। सिलेबस का वीडियो देखने के बाद आप SFD BMD का वीडियो देखिए, SFD एंड BMD का, कितने बेटा 9 लेक्चर्स में दे रहा हूं ये देखिए। उसके बाद आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यहां से मैं शुरू करूंगा, जो कि किसका होगा बेटा? टॉस 1 का होगा। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड टॉस 1 का होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है कि मैं टॉस 2 का डेमो में दूं, लेकिन आप जब इतना लेक्चर पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपको मोहन सर के साथ क्लास कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है बेटा। क्योंकि देखो, आगे RCC 1 भी है, 2 भी, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा फंसे। अगर एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे आपको सिविल का कोर्स मिल रहा है, तो मैंने बहुत सोच समझ के ये चीजें लॉन्च की है बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि बिना कोचिंग के ये सब्जेक्ट आपसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूं, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है बेटा। चले, तो हम लोग टॉस 2 पर पहुंचेंगे, लेकिन टॉस 2 पर पहुंचने से पहले आपको SFD BMD पढ़ना है, और आपको अभी से पढ़ना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के 4 लेक्चर्स में दूंगा, ये आप पढ़ लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो टॉस 2 का पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे बेटा, ऐप पर जाकर आप सर्च करना स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2, आपको वहां पे कोर्स मिल जाएगा, आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हो बेटा। चलिए, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं टॉस 1 का जो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था सर का पढ़ाया हुआ, उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बेटा, आप ये जो पुराने वीडियोस है ना SFD BMD के, ये पहले आप देख लो, मतलब नीचे जो प्लेलिस्ट है ना, बस आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना है। पूरा प्लेलिस्ट का वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, तब जाके आप मेरे ऐप पर पूरा कोर्स ले सकते हैं, जिसका फीस रहेगा 799। चलिए, तो मैं लेक्चर्स को ऐड कर रहा हूं, आप क्या कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज हम चालू करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये यूनिट 2 का आपका सेकंड टॉपिक है, जैसे ये खत्म होगा तब जाके आप की एक यूनिट खत्म होगी, ठीक है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, क्यों करना है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आपका यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट
डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपका यूनिट टू का ये सेकंड पार्ट है, यूनिट टू का ये सेकंड टॉपिक है। एक टॉपिक था थ्री मोमेंट थ्योरम, सेकंड है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो बेसिकली मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किस लिए जरूरत पड़ी आपकी, आपने पढ़ा कि अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, एक तो थ्री मोमेंट थ्योरम से करते थे, तो आपका पर्टिकुलर थ्री मोमेंट थ्योरम जो है पर्टिकुलर बीम के लिए है। अगर फ्रेम की एनालिसिस आ गई तो फ्रेम के केस पे आपका क्या होगा, फ्रेम के केस पे आपका थ्री मोमेंट थ्योरम नहीं लग पाएगी। केवल पर्टिकुलर अगर बीम एनालिसिस करनी तब तक तो आप थ्री मोमेंट थ्योरम से आप कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर फ्रेम आ गए तो आप थ्री मोमेंट थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते। उस केस में आपको बीम के साथ साथ अगर फ्रेम है तो फ्रेम के केस में आप थ्री मोमेंट थ्योरम से सॉल्व ना कर पाने के कारण यूज करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और उसमें भी आपके टॉस वन के सिलेबस में है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है विदाउट स्वे। अभी स्वे क्या नई चीज़ है उसकी अपन बात करेंगे। तो आपका जो टॉस वन या स्ट्रक्चरल एनालिसिस वन का सिलेबस है उस पर आप सिलेबस जब देखते हैं तो सबसे पहले लिखा रहता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड विदाउट स्वे, ठीक है, विदाउट स्वे। बेसिकली ये मेथड आपकी 1932 में हार्डी क्रॉस ने इन्वेंट करी थी। कई बार थ्योरी में पूछ लेता है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, तो वो थ्योरी में बताने के लिए हमें थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है वो हार्डी क्रॉस ने 1932 में इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। ये आपकी मेथड, अगर कोई पूछता है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, थ्री मोमेंट मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कौन सबसे एक्यूरेट है, तो हमेशा याद रखना सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होती है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्यों होती है अगर मैं उसकी बात करूं तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक्यूरेट इसलिए होती है क्योंकि ये एक इटरेटिव मेथड है। कौन सी मेथड है, इटरेटिव मतलब इटरेशन से सॉल्व करके हमारी फाइनल मोमेंट्स की वैल्यू आती है। इटरेटिव मेथड मतलब इटरेशन, इटरेशन मतलब आप ये मान के चलिए कि छन्नी से छन्नी, छन्नी से छन्नी, छन्नी के बाद जो फाइनल प्योर चीज़ बचती है वो है, उस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसलिए आपकी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जहां भी इटरेशन आएगा, इटरेशन वाले केस पे आपकी ऑलवेज सबसे एक्यूरेट मेथड होगी। इसलिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपकी क्या कहलाती है, एक्यूरेट मेथड कहलाती है। तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुई थी, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर, फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर हार्डी क्रॉस। कई बार जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल इतने बड़े बड़े तो नहीं आते, लेकिन ऐसे थ्योरी से पूछ सकते हैं। तो हार्डी क्रॉस, प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने 1932 में इसका इवेंट किया था, मतलब सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। तो कभी भी कोई पूछेगा कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड किसने इन्वेंट करी थी या किसने इंट्रोड्यूस करी थी, तो हार्डी क्रॉस ने करी थी 1932 में, ठीक है। इसका फायदा क्या है, कहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हैज रिमेन द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ टेकलिंग इनडिटर्मिनेट बीम्स एंड रिजिड फ्रेम, बीम्स एंड रिजिड फ्रेम। क्या फायदा हो गया कि केवल थ्री मोमेंट थ्योरम में केवल आप बीम को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आप इनडिटर्मिनेट बीम के साथ साथ रिजिड फ्रेम को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं तो ये आपकी एक इटरेटिव मेथड है, तो ये याद रखिएगा,
इट यूजेस एन इटरेटिव, इटरेटिव मतलब इटरेशन, एक एक करके बार 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 सॉल्व करके उसको एक इटरेशन टेक्निक यूज करी है, ठीक है। तो ये आप अगर कोई पूछे कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, तो आप बोल सकते हो कि इटरेटिव टेक्निक यूज करिए, तो इटरेटिव मेथड है, ठीक। तो आपका बेसिकली अब पूछेगा कभी तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, खाली थ्योरी के लिए बता रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना वो अलग चीज है। तो आपसे कोई मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोल दे तो आप बोलोगे कि साहब हार्डी क्रॉस ने 1932, प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने 1932 में इंट्रोड्यूस करी थी। दूसरा, ये आपकी किसी भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर या इनडिटर्मिनेट बीम और फ्रेम दोनों के लिए अच्छी मेथड है, अप्लीकेबल मेथड है। जबकि थ्री मोमेंट थ्योरम की जब मैं बात करता हूं तो वो केवल और केवल इनडिटर्मिनेट बीम को सॉल्व कर सकता था, फ्रेम को सॉल्व नहीं कर सकता था, रिजिड फ्रेम को सॉल्व नहीं कर सकता था, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, ये आपकी एक इटरेशन टेक्निक को यूज करता, मतलब ये आपकी इटरेटिव मेथड है। और कभी कोई पूछे कि एक्यूरेट है तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। तो ये कभी बार ऑब्जेक्टिव में एक ये पूछ सकता है, एक ये पूछ सकता है, एक ये ऑब्जेक्टिव अगर कभी आया तो ये पूछने में पूछ सकता है, ठीक है। अब इस मेथड के बेसिकली कुछ कंसेप्ट होते हैं वो मेन है, तो इस मेथड के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इस मेथड के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो कई बार थ्योरी में पूछ लेता है। तो बेसिक कंसेप्ट आपका सबसे पहला रहेगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट के बाद दूसरा इसी का पॉइंट होता है रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वेक्टर बोलो या डिस्ट्रीब्यूशन बोलो कोई दिक्कत नहीं। और चौथा होता है कैरी ओवर। ये चार बेसिक कंसेप्ट से ही आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और यही समझ में आने चाहिए कि क्या कहाँ यूज करना है। तो अब आपसे कभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोले तो आप ये चार पॉइंट भी लिख के आएंगे तो आपके 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कई बार थ्योरी में पूछता है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है, तो उसको आप लिख सकते हो कि हार्डी क्रॉस ने 1932 में इन्वेंट करी थी या इंट्रोड्यूस करी थी। दूसरा, ये आपके लिए मोस्ट सुटेबल मेथड है किसको, इनडिटर्मिनेंट बीम या रिजिड फ्रेम को सॉल्व करने की। तीसरा, ये जो यूज करता है टेक्निक वो इटरेशन को करता है तो इटरेटिव मेथड है। चौथा, एक्यूरेट मेथड है, मतलब आंसर इसके एक्यूरेट आते हैं। और इसके जो बेसिक कंसेप्ट होंगे, मतलब सॉल्व करने के लिए थ्री मोमेंट थ्योरम को सॉल्व करने के लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट मुझे मालूम होना चाहिए, रिलेटिव स्टिफनेस मुझे मालूम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मालूम होना चाहिए और कैरी ओवर मालूम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मुझे मालूम होंगी तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। अगर इसका एडवांटेज पूछें कि क्या एडवांटेज है, पहले इसको लिख लीजिए आप वीडियो रोक के, तो इसके एडवांटेज अगर अपन से पूछें तो क्या एडवांटेज होंगे वो हमें मालूम होना चाहिए। वीडियो रोक के लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर इसके एडवांटेज की मैं बात करूं कि क्यों यूज करना है, क्या है, क्या एडवांटेज हम इसमें बोल सकते हैं कि इस मेथड को यूज करने में क्या एडवांटेज है, तो वो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज लिख लो या नोट डाल लो उसको, तो नोट से ज़्यादा समझ में आ जाता है, एडवांटेज आप वैसे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो नोट में आप लिख सकते हो पहला पॉइंट कि इन दिस मेथड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अब ये स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड अगली यूनिट में है, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में क्या करना पड़ता है, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है पड़ती हैं, उससे ये निजात आपको दिला देगा। तो पहला तो यही है कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनती हैं वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को इसने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किससे, इज रिप्लेस्ड बाय एन इटरेटिव एन इटरेटिव
इटरेटिव मतलब इटरेशन, ठीक है, इटरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर। तो आपका क्या हो गया कि अभी आप आगे पढ़ेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, तो उसमें नंबर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तो उस सबसे निजात पाने के लिए आपका थ्री मोमेंट थ्योरम का आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कर देगा, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन से छोड़ के आपको सीधा सीधा इटरेशन करने के लिए इटरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, या जो अननोन मोमेंट है वो निकाल देगा, है ना। एक तो ये फायदा है इसमें कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही थी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, वो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ उससे अच्छा हो जाएगा, उसको ये इटरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया इसने, ठीक है। और ये जो मेथड है हायरली, ठीक है, फॉर फेयरली हायर डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। तो फॉर फेयरली हायर डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेशन, इनडिटर्मी, ठीक है, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दिस मेथड इज आइडियली यूज। ठीक है, तो पहला फायदा तो यही होगा कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में जो नंबर ऑफ इक्वेशन थी सॉल्व करने के बाद आंसर आता था वो उसको शॉर्ट में करके इटरेशन से कर देगा, और दूसरा जहां हायर डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी होगी स्ट्रक्चर की वहां ये इजीली उसको सॉल्व कर देगा, तो मोस्ट सुटेड मेथड रहेगी उसके लिए ये। ठीक है, तो ये आपकी इस मेथड की फायदे रहेंगे। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के एडवांटेज ये हो गए, क्या है वो अपन ने बता दिया, इसको वीडियो रोक के आप लिख लीजिए, फिर अपन बात करते हैं कि क्या फिक्स्ड मोमेंट होगा, कैसे निकालना है, क्या निकलेगा। वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहली हेडिंग कई बार पूछ लेता है फिक्स्ड मोमेंट क्या होता है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो फिक्स्ड मोमेंट जो इसका बेसिक कंसेप्ट में जो कुछ कंसेप्ट लगेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें पहला कंसेप्ट होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली क्या करना है। तो कभी डेफिनेशन आ जाए आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट की तो क्या होती है और क्या मतलब है उसका, वो हमें पता होना चाहिए। जब आप फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करोगे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट में हम बोल सकते हैं कि जो भी आपका मेंबर क्वेश्चन में, भले वो सिंपली सपोर्टेड हो, भले वो कुछ भी हो, इनिशियली हम उसको क्या मान के चल लेंगे, इनिशियली हम उसको फिक्स मान के चल लेंगे, और फिक्स होने के बाद उस पर जो लोडिंग लगी है, मान लो कोई भी एक बीम था भले वो सिंपली सपोर्टेड है, उसके एंड्स को मैंने मान लिया फिक्स, और फिक्स में उसके बाद जो लोडिंग लगी, उस लोडिंग के कारण दोनों एंड्स पे क्या मूवमेंट आ रहा है जब वो फिक्स था, उस मूवमेंट को उस लोडिंग के कारण हम बोलेंगे फिक्स्ड एंड मूवमेंट। ठीक है, निकालते कैसे हैं उसकी बात हम करेंगे। तो बेसिकली तो जब आप आगे पढ़ते जाओगे निकालने का तरीका, पहला तो निकलता है कॉलम एनालॉगी मेथड से, अगेन वो यूनिट थर्ड में है सिलेबस के हिसाब से, है ना, कॉलम एनालॉगी मेथड से, और एक और मेथड होती है जिससे आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली निकालना पेपर में एक आध बार पूछा हो तो, किसी क्वेश्चन का पूछा हो, नहीं तो आपको अल्टीमेटली यहां भी फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, लेकिन निकालते कैसे वो भी एक बेसिक में समझा दूंगा, जब समझ में आ जाएगा तो और कुछ निकालने को कभी आया तो आप कर सकते हो, बाकी बेसिकली आपको रखने फॉर्मूले ही हैं वहां भी और सॉल्व करना है, क्योंकि अभी जैसे आपने थ्री मोमेंट थ्योरम देखा तो एटलीस्ट समझ में आ गया, तीन चार पन्ने का क्वेश्चन है, अब उसमें और ये ड्राइव करके देने से कुछ नहीं होगा, वहां डायरेक्ट फॉर्मूले ही आपको यूज करने होंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वैल्यू कहां से आ रही है और कैसे आ रही है, लेकिन एग्जाम टाइम पे वो फॉर्मूला डायरेक्ट रखना है। जैसे 6ax/12L का अपन ने फॉर्मूला रख दिया था, वैसे ही अपन ने फ्री एंड मूवमेंट का फॉर्मूला रख दिया था, फ्री एंड बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला रख दिया था, वैसे ही यहाँ फिक्स्ड एंड मूवमेंट के फॉर्मूले भी ड्राइव होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं एक बता दूंगा, है ना, वैसे तो कॉलम एनालॉगी में आएगा ही आएगा पार्ट, लेकिन तब भी मैं एक बता दूंगा दूसरे मेथड से भी कैसे ड्राइव होते हैं। ड्राइव होना ठीक है, याद आपको करने हैं, ये जरूर याद रखें, एग्जाम में उसको ड्राइव करके नहीं दिखाना है, अल्टीमेटली आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आया, उसके लिए मैं एक ड्राइव करा के बता दूंगा,
लेकिन आपको अल्टीमेटली एग्जाम में याद ही रखना है, ठीक है। तो अपन बात करें फिक्स्ड एंड मोमेंट में, तो अपन ने जो बोला कि ऑल मेंबर जो भी होंगे, जो भी एंड हो, हम उसको पहले फिक्स मान के चल लेंगे, फिक्स के बाद जो लोडिंग के कारण उसके एंड्स पे मोमेंट आ रहा है उसी मोमेंट को बोल देंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो उसको लिखना हो तो लिख सकते हैं हम, है ना, क्या लिख दें, ऑल मेंबर ऑफ गिवन बीम और फ्रेम, जो भी लिखना हो आपको, या स्ट्रक्चर, ऑल मेंबर ऑफ गिवन फ्रेम आर इनिशियली इनिशियली एज्यूम्ड एज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है, द लोड एक्टिंग ऑन दीज फिक्स्ड बीम, प्रोड्यूस फिक्स्ड एंड मोमेंट एट द एंड्स, ठीक है। क्या लिख दिया आपने, आपने यही बोला कि जो भी क्वेश्चन पे आपका बीम होगा या फ्रेम होगा उसके दोनों एंड को आपको एज्यूम करके चलना है कि वो फिक्स्ड है, और उस बीम में या उस स्पान पे जो लोडिंग लगी है उस लोडिंग के कारण एंड्स में कितना मोमेंट आएगा उसी को आप बोलोगे फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। और आगे इसको लिख सकते हैं, दीज आर एग्जर्टेड बाय द सपोर्ट on the beam ends, END ends वाला, कोने वाला, किनारे वाला, ठीक है, ठीक है। दिस ब्रैकेट में लिखो तो नॉन, चलो इतना नहीं लिखो, यहां तक ही आपका मोर देन इनफ है, ठीक है। आगे लिखो दिस मोमेंट keep the rotation, this moment keep the rotation at the end of each member, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने तक की चीज है, करना क्या है, कैसे करना है, वो फिक्स्ड एंड मोमेंट का फॉर्मूला ही रहेगा। तो आपने क्या बोल दिया कि क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, कैसा भी सपोर्ट हो, हमें इनिशियल मान के चलना कि दोनों एंड फिक्स है, उस फिक्स में जो लोडिंग है उस लोडिंग के कारण जो आपका एंड्स में मूवमेंट आ रहा है वो फिक्स्ड एंड मूवमेंट है, ठीक है। ये अपन ने वही लिखा, उसके आगे लिखा दिस आर एग्जर्टेड बाय द सपोर्ट ऑन द बीम एंड्स, है ना, जो मूवमेंट आ रहा, दिस मूवमेंट कीप द रोटेशन एट द एंड Each member is zero। जब आपका सीधी सीधी बात है कि कोई अगर मान लो फिक्स बीम है इस तरीके से, तो फिक्स बीम के कारण यहां कोई भी रोटेशन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर लिया आपने, पकड़ लिया, मैंने यही बोला था ना कि आपकी बॉडी फिक्स सपोर्ट रोटेट नहीं होने देता, समीशन ऑफ बी इक्वल टू जीरो नीचे नहीं जाने देता, समीशन ऑफ एच इक्वल टू जीरो साइड में हॉरिजॉन्टल नहीं जाने देता, और साथ में लोड के कारण क्या नहीं होने देता, रोटेट नहीं होने देता। तो ये जो फिक्स एंड मोमेंट है वो क्या करता है, रोटेशन को कितना करता है, जीरो, ये लिख रहा है। रोटेशन मतलब अगर यहां बोलूं तो थीटा की वैल्यू कितना बोलता है, वो जीरो। जब आप इसको डिफ्लेक्टेड शेप बनाते हो तो चूंकि यहां पकड़ा हुआ, तो कितना भी आप लोड लगा दो एंड पे आपका डिफ्लेक्ट नहीं होगा, थोड़े आगे से होगा, और जब आप इस पे स्लोप, जब आप इस पे टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट पे या जो थीटा की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, और अगर जीरो आ रही इसका मतलब ये इस एंड को रोटेट नहीं होने दे रहा, तो ये खाली फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए कहानी है, कुछ नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन में बीम दिया है, कोई भी एंड हो, हम इनिशियल मान के चलेंगे दोनों एंड फिक्स है, और लोडिंग के कारण उस एंड पे कितना मोमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एंड मोमेंट। उस फिक्स्ड एंड मोमेंट को जब हमने उसको मान लिया कि फिक्स है, तो उस पे कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस पे कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से अगर मेरा फिक्स है तो मैं कितनी भी लोडिंग लगा दूं एंड पे, इस एंड पे क्या होगा, जहां से पकड़ा है वहां से कुछ भी
कितनी भी मैं लोडिंग लगा दूं, उस पर जब मैं लोडिंग लगा दूं तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, तो जहां फिक्स है वहां डिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो यहां जब क्योंकि ये घूम ही नहीं रहा, रोटेशन बंद कर दिया उसने, क्योंकि मैं मूवमेंट मतलब रोटेट नहीं होने देता स्ट्रक्चर को, तो रोटेशन बंद किया है, क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो यही अपन लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे। अब ये फिक्स्ड एंड मूवमेंट की वैल्यू कैसे आएगी, क्या आएगी, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए वीडियो रोक के, ये सब आपका एग्जाम में पूछता है, कहानी इसलिए लिखवा रहा हूं। तो मान लो ये आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात कर रहा हूं, इसलिए कोई सा भी सपोर्ट हो, इनिशियल में इसको क्या मान के चलूंगा कि ये फिक्स है। जब मैंने इसको इनिशियल मान लिया फिक्स है, तो और लोडिंग की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखते हैं, अगर ये लोडिंग डब्ल्यू है, लेंथ ये वाली हाफ सेंटर पे लगा, सेंटर लोड है तो एल बाय टू होगी, और ये लेंथ भी कितनी होगी, एल बाय टू। ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और बी है। इसके लिए आपको क्या निकाल के देना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल के देना है। क्या निकाल के देना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल के आपको देना है। तो यहाँ क्योंकि फिक्स्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंट आएगा। कितना मोमेंट आएगा वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ एक मोमेंट आएगा, ये बी है तो साहब ये मोमेंट आएगा एम बी, ये ए है तो यहाँ मोमेंट आएगा एम ए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये एम ए और एम बी ही मेरा फिक्स्ड एंड मूवमेंट है। मैंने बोला था कि बीम को दोनों तरफ से फिक्स मान के चलना, और इस लोड के कारण इस बीम पे जो मूवमेंट आएगा एंड्स पे, वो एंड्स कहलाएगा फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो ये एम ए और एम बी की वैल्यू निकाल के देनी है, इस एम ए और एम ए की वैल्यू निकाल के देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसको बात करें कि कैसे सॉल्व करना है, तो इसको दो तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पहले आप इसका बनाएंगे, आप पहली स्टेप में क्या करेंगे, इस स्पान को मान लेंगे कि आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। पहली बार में मैं क्या मान के चलूंगा, ट्रीट फिक्स्ड बीम एज आ, ट्रीट फिक्स्ड बीम एज आ, फिक्स्ड बीम एज आ सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड की तरह ट्रीट करूंगा। तो ये मेरा लोड W हो गया, ये लेंथ L बाय टू हो गई, ये लेंथ L बाय टू हो गई, ये आपका A हो गया, ये B हो गया। इस केस पे आपकी रिएक्शन आएगी RA और RB। इस केस पे आपको फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, वैसे तो आप बना सकते हो डायरेक्ट, लेकिन तब भी कैलकुलेट करके देख लो कैसे आएगी, सिखा दे रहा हूँ एक बार, अगली बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो आपने बोला समीशन ऑफ बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड। तो अपवर्ड जा रहा आपका आर ए प्लस आर बी, और ये कितना हो गया लोड डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या है, रिएक्शन निकालनी, तो कहाँ मूवमेंट ले लूँ, बी पॉइंट पे। तो मैंने बोला टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी या ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। जब मैं ए पॉइंट का अबाउट मूवमेंट लूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा आर बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू समीशन ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है आर बी इंटू एल बाय टू, एल बाय टू टोटल लेंथ तो एल ही होगी, तो आर बी इंटू एल। ये कैसे घूम रहा, ये घूम रहा क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ये घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज। डब्ल्यू कैसे घूम रहा, क्लॉकवाइज। तो इक्वल टू डब्ल्यू इंटू लेंथ कितनी हो गई, एल बाय टू, एल से एल कैंसिल, तो आर बी इक्वल टू आ गया डब्ल्यू बाय टू। पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आर ए कितना आ जाएगा इस केस पे, इस केस पे आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू था, तो आर ए प्लस डब्ल्यू बाय टू इक्वल टू डब्ल्यू, और आर ए इक्वल टू कितना डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाय टू, तो आर ए इक्वल टू भी आ गया डब्ल्यू बाय टू। रिएक्शन आ गई आर ए और आर बी की, तो अब बचा ही क्या है, जब यहाँ आर ए और आर बी की वैल्यू आपको मिल गई, जब आर ए आर बी की वैल्यू मिल गई तो आप क्या बना सकते हो उसका, इसका आप क्या बना सकते हो, इसका आप बना सकते हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये ए बी और ये पॉइंट सी है, तो ए पॉइंट पर मोमेंट कितना होगा, ए पॉइंट पर मोमेंट होगा जीरो इस वाले सिंपली सपोर्टेड लिए, बी पॉइंट में मोमेंट कितना होगा जीरो, और इसका नाम अगर सी दिया तो सी पॉइंट में मोमेंट कितना होगा, तो एम सी इक्वल टू जो दिख रहा है वो बना दो। तो सी तक के लिए क्या दिख रहा होगा, सी तक के लिए मुझे दिख रहा है आर बी जिसकी वैल्यू है डब्ल्यू बाय टू, ये पॉइंट है डब्ल्यू, लेंथ है एल बाय टू। तो मोमेंट निकालना है, तो एम सी इक्वल टू कितना, आर बी कैसे घूम रहा, आर बी घूम रहा क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, आर बी घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस,
आरबी इंटू लेंथ कितनी हो गई एल बाय टू, ये तो यही पॉइंट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एम सी इक्वल टू डब्ल्यू बाय टू इंटू एल बाय टू, तो ये हो गया डब्ल्यू एल बाय फोर। तो अब मैं अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाह रहा हूं तो क्या मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूं? तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब मैं बनाता हूं तो मुझे मालूम है कि नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ कितनी डब्ल्यू एल बाय फोर, दोनों के बीच में कुछ नहीं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा डायग्राम हुआ? फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि एंड्स को मैंने क्या फिक्स को क्या मान लिया, फिक्स को मैंने मान लिया फ्री, तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये। तो आपका क्योंकि ये सेंट्रल लोड है, इसके एरिया की बात करूं तो लेंथ हो गई एल और हाइट हो गई इसकी ये, तो अगर मैं इसका बोलूं एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इस केस में इसका एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्रायंगल का एरिया होगा वन बाय टू, बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा, एरिया क्या होता है वन बाय टू बेस इंटू हाइट, यही होता है ट्रायंगल का। तो एरिया वन बाय टू, बेस की अगर मैं बात करता हूं तो बेस हो जाएगा मेरा एल और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी डब्ल्यू एल बाय फोर। तो जो मैं एरिया आ रहा वो आ गया साहब डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, इक्वेशन नंबर इसको मैंने डाल दी टू। ठीक, इसी का सीजी कहां होगा? क्योंकि सेंटर पे बना हुआ है, अगर कोई भी ट्रायंगल का सेंटर होता, मतलब इस तरीके से अगर आपका ट्रायंगल होता है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल होता, क्योंकि ये L बाय टू पे लोड लग रहा, तो ये L बाय टू और L बाय टू, तो अगर मैं X बार की बात करूं CG की फ्रॉम X एक्सिस, तो ये क्योंकि आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है तो लोड इसका CG कहां होगा? सेंटर पे। तो ये L बाय टू, इक्वेशन नंबर तीन। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स की तरह बात है, स्टार्ट में पहले फिक्स मान के चल रहा है, इसके लिए कैलकुलेट करना है। पहली स्टेप में ही मान लिया कि जो फिक्स बीम है उसको सिंपली सपोर्टेड मानो, जैसे अभी तक फ्री एंड के लिए कर रहे थे, और कैलकुलेट करके यहां तक डायग्राम बनाओ, इसको यहां तक उतारिए, वीडियो रोक कर, ठीक है? तो एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है, लेकिन सेंट्रल लोड है, ए बी पे नहीं है, कंसेंट्रेटेड है, इसेंट्रिक नहीं है, इसेंट्रिक मतलब सेंटर पे नहीं लगता उसको इसेंट्रिक बोलते, सेंटर पे लग रहा है तो कंसेंट्रेटेड लोड है, तो सेंट्रल कंसेंट्रेटेड लोड है। तो आपने बोल दिया पहली स्टेप में मान के चलता हूं कि जो फिक्स है उसको सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड की हेल्प से सबसे पहले निकालूंगा रिएक्शन। तो रिएक्शन निकालने के लिए समीशन ऑफ इक्वल टू जीरो से निकाला आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू बी पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट का मोमेंट लिया तो आर बी घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज, तो आर बी इंटू लेंथ हो गई एल इक्वल टू, ये घूम रहा क्लॉकवाइज तो इक्वल टू क्लॉकवाइज डब्ल्यू इंटू लेंथ एल बाय टू, तो आर बी की वैल्यू डब्ल्यू बाय टू पुट कर दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आर ए की वैल्यू आर ए प्लस डब्ल्यू बाय टू इक्वल टू डब्ल्यू, तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू बाय टू। और जब ये आ गया तो मुझे मालूम है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड है तो एम और ए और बी में मोमेंट होगा जीरो, सी पे निकालना तो सी तक में क्या स्पान दिख रहा है ये, आर बी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो आर बी इंटू लेंथ एल बाय टू, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो एम सी आ गया डब्ल्यू एल बाय फोर, और डायग्राम बनाना तो ये जीरो और सी हो गया डब्ल्यू एल बाय फोर, दोनों के बीच में कोई लोडिंग नहीं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कोई लोडिंग नहीं इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि ये सेंटर पे लगा तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल बन रहा, और इक्विलेटर ट्रायंगल की सीजी होती है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो इक्विलेटर ट्रायंगल की सीजी होगी एल बाय टू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? और एरिया आप निकाल ही चुके, तो एरिया वन बाय टू बेस इंटू हाइट, तो एरिया वन बाय टू बेस हो गया कितना पूरा टोटल एल इंटू हाइट हो गई डब्ल्यू एल बाय फोर, ठीक है? तो यहां से आपका आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट एरिया और सी जी, वो ये किसकी है? ये जब मैंने इसको सिंपली सपोर्टेड मान के चला, ट्रीट फिक्स बीम एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है? इसको लिख लिया यहां तक, तो इक्वेशन दो और तीन अभी मेरी काम की। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या बोलूंगा, जैसे अभी मैंने इसको सिंपली सपोर्टेड माना था फिक्स के लिए मार्क करूंगा, तो ड्रॉ फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिलीजिंग बोथ एंड, अब एंड को मैंने रिलीज कर दिया, रिलीज करा मतलब फिक्स हटा के यहां मोमेंट लगा दिया एम बी और यहां मोमेंट लगा दिया एम ए, क्योंकि ये सेंट्रल लोड है, क्योंकि ये आपका सेंट्रल लोड है, मतलब इंपैक्ट दोनों एम ए और एम बी में बराबर ही आएगा, सेंटर पे लगा, सेंटर पे नहीं लगा होता तो अलग इंपैक्ट आता, तो अगर ये सेंट्रल लोड है तो सेंट्रल लोड
के कारण क्या हो जाएगा, जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा इस पॉइंट पे एम बी, इस पॉइंट पे एम ए, तो ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा एम ए और एम बी, इसकी कोई मुझे दिक्कत की बात नहीं है। और रेक्टेंगल की सी जी कहाँ होती है, अगेन रेक्टेंगल की सी जी होती है एल बाय टू। तो अगर इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्या लिखा, तो अगर मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ड्रॉ, सेकेंड स्टेप भी मेरी है, ड्रॉ फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिलीजिंग बोथ एंड। तो उस केस पे ही आपका डायग्राम बनेगा। तो इस डायग्राम का एरिया अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, और इसके एरिया को अगर मैं पहले वाले को मैंने फ्री फ्री को अगर चाहूं तो एफ लिख दूं, ये भी एफ हो गया और ये भी एफ हो गया, और इसको नॉर्मल ए लिख दूं, तो इस केस पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस केस पे इसका एरिया निकालूंगा अगर मैं, तो एरिया इसका, तो एरिया रेक्टेंगल का क्या, ये एम ए और एम बी बराबर ही होगा, एम ए और एम बी बराबर ही होगा। तो एरिया होता है आपका रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो साहब आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इनटू हाइट, और लेंथ कितनी एल, हाइट कितनी एम ए, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया इस केस में ये, ठीक है। इसकी सीजी कितनी होगी एक्स बार, तो इसकी सीजी रेक्टेंगल की सीजी होती है एल बाय टू, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर एक दो तीन हो गई थी, ये चार हो गई और ये पांच हो गई। अब कुछ नहीं करना, एरिया को एरिया से इक्वेट करना है, क्योंकि अपन एज्यूम करके चल रहे हैं, तो एक बार एरिया को एरिया से एज्यूम कर इक्वेट कर लो क्या हो जाएगा। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर इसको मिटा दूं, तो जब मैं एरिया से एरिया को वो कर रहा हूं, एज्यूम करके चलूंगा कि इसका जो एरिया है वो एरिया आपस में क्या होगा, सेम होगा, वो एरिया आपस में क्या होगा, सेम होगा, अगर ये मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला फॉर फाइंडिंग फिक्स्ड एंड मोमेंट, उस केस में आपको मान के चलोगे कि मेरा जो एरिया है वो एरिया ऑफ एफ के बराबर है, क्योंकि मैं इनिशियली मान के चल रहा हूं अभी तो इसको, ठीक है। तो मेरा एरिया ए कितना आया और ए एफ कितना आया, तो मेरा जो एरिया ए आया, जो एरिया मेरा ए आया वो कितना आ गया, जब मैंने फिक्स्ड एंड को कंसीडर किया ए इक्वल टू ए एफ, तो एरिया मेरा जो आया था वो एरिया आया यहां एम ए इंटू एल, और ए एफ मेरा कितना आया, तो ए एफ आया मेरा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट। तो यहां से अगर मैं एम ए निकालना चाह रहा हूं तो ये एल से एल कैंसिल, तो जब भी मेरा ए से मोमेंट निकालूंगा तो एम ए इक्वल टू कितना डब्ल्यू एल बाय एट। तो अब मुझे पता चल गया कि फिक्स्ड एंड मोमेंट में, अब मुझे पता चल गया कि फिक्स्ड एंड मोमेंट पे ए पॉइंट पर मोमेंट अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो डब्ल्यू एल बाय एट होगा। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एम ए एम बी बराबर है, चूंकि मेरा एम ए एम बी बराबर है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरा एम ए एम बी बराबर है तो मेरा जितना एम ए होगा उतना ही एम बी होगा, और वैल्यू होगी डब्ल्यू एल बाय एट। केवल साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये कैसा लग रहा है, राइट में सेक्शन है और राइट में सेक्शन है और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अगर मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, या उल्टा वाइस वर्सा, लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्लॉकवाइज हो जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज हो जाएगा मेरा नेगेटिव, अभी तक जो मैं मान के चल रहा था, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपका आर सी एन से लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और यहाँ से देखता हूँ तो क्लॉकवाइज वो है। तो साइन कन्वेंशन आपके दोनों वहाँ से रहेंगे, तो साइन कन्वेंशन की दिक्कत नहीं, वो मैं आगे सिखा दूंगा कैसे करना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या, फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। तो ये एक तरीका है फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का, ये एक तरीका है फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालने का, लेकिन ये सिमेट्रिकल सेक्शन का था इसलिए आसान है, इसलिए आसान है। जो सिमेट्रिकल सेक्शन का नहीं है उसकी भी बात करते हैं और आगे करते हैं, तो इसको आप वीडियो रोक के लिख लीजिए, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कुछ करना नहीं है, वैल्यूज याद रखनी है, वो भी कैसे याद रखनी मैं बता दूं, इसको मिटा दूं। तो ये था जब सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड था,
अब अगर सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड नहीं हो, कुछ अलग तरीके का लोड हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो एक और सिखा देता हूँ, उसका फॉर्मूले ही बात करेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो अगर कभी पूछ भी ले क्वेश्चन में तो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन, अगर मान लें कि ये लोड वहां नहीं लग रहा और ऐसा लिख दिया एनालाइज द फिक्स बीम, अगर ऐसा लिख दिया एनालाइज द फिक्स्ड बीम, एनालाइज द फिक्स बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड, कैरिंग अ पॉइंट लोड W, कैरिंग अ पॉइंट लोड W एट डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम, एट डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सपोर्ट, लेफ्ट ऑफ द सपोर्ट एंड लेंथ ऑफ बीम इज l, अगर लेंथ l है उस केस में क्या होगा। तो आपने बोला कि एक फिक्स्ड बीम है जिस पे क्या करना है, उस फिक्स्ड बीम पे एक लोड लगा W, कितनी डिस्टेंस पे लगा A, पूरी लेंथ है L, अगर ये A है तो इसको मैं बच्चे को B मान लूं, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। इसमें कुछ बेसिक आपको पता होने चाहिए है ना, वो अपन क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे। तो पहली स्टेप मेरी क्या थी, सबसे पहली स्टेप में मैं क्या कर दूंगा कि इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन में मेरी पहली स्टेप क्या हो जाएगी, जब मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ तो सबसे पहले मैंने बोला कि फिक्स्ड मूवमेंट आएंगे, क्या क्या आएंगे वो मैं बात कर लेता हूँ। ये लोड लगाया है W, ये लगाया A, ये लगाया B, हम ये मान के चल रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि लोड इस A सपोर्ट के पास ज़्यादा है, अगर A सपोर्ट के पास ज़्यादा रहेगा तो यह मूवमेंट MA भी ज़्यादा आएगा, सेंटर होता तो बराबर आता, थोड़ा यहाँ खिसक रहा है तो इस A पॉइंट पे इफेक्ट ज़्यादा आएगा। सीधी बात है कि अगर इस स्पान पे मैं यहाँ सेंटर पे खड़ा हो जाता हूँ तो दोनों को बराबर, इस तरफ खिसक के आया तो कौन सा ज़्यादा झुकेगा, यहाँ ज़्यादा लोड आएगा। जैसे अपन खेलते हैं ना कि ऐसे सीधा है, अगर यहाँ ज़्यादा लोड बैठाओगे तो यहाँ लोड ज़्यादा आएगा, यहाँ ज़्यादा लोड बैठाओगे तो ये झूल जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी अगर आप ये लोड मान के चल रहे हैं इस कोने पे, तो अल्टीमेटली इस लोड के कारण मूवमेंट का इफेक्ट भी यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ कम आएगा। तो वही चीज़ याद रखना है कि कहाँ मान के चल रहा है, तो हाफ ऑफ सेंटर से मैं इधर ही मान के चल रहा हूँ इसको। ये मान लिया यहाँ मूवमेंट कितना आएगा, तो यहाँ मूवमेंट आएगा मेरा एम ए, यहाँ मूवमेंट कितना आएगा एम बी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो पहली स्टेप मेरी क्या हो जाती है, स्टेप फर्स्ट में मैं ट्रीट करता हूँ, स्टेप फर्स्ट में क्या करता हूँ, इसको एज अ सिंपली सपोर्टेड ट्रीट करता हूँ, ठीक है। तो ट्रीट फिक्स्ड बीम एज अ, पहली स्टेप क्या हो जाएगी, ट्रीट फिक्स्ड बीम एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा करना है, एक मिनट देख लू कहाँ था, फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा करना है मुझे, तो वो मैंने ट्रीट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी मेरी, जब सिंपली सपोर्टेड कर लिया तो रिएक्शन कैलकुलेट कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो और डायग्राम बना लूंगा। तो जब मैंने इसको सिंपली सपोर्टेड की तरह ट्रीट किया, जब मैंने इसको सिंपली सपोर्टेड की तरह ट्रीट किया, जब मैंने इसको सिंपली सपोर्टेड की तरह ट्रीट किया, ये हुआ ए डिस्टेंस, ये बची हुई हो गई बी डिस्टेंस, ठीक है, और पूरी लेंथ हो गई एल। तो इस केस पे, इस केस पे आर ए और आर बी की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ, वैसे तो मुझे मालूम है कि डायरेक्ट इसका पॉइंट लोड डब्ल्यू ए बी बाय एल होगा, लेकिन तब भी सीखने के लिए समीशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो, जितना फोर्स अपवर्ड जा रहा है इक्वल टू जितना फोर्स डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा आर ए प्लस आर बी इक्वल टू लोड आ रहा है डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड मूवमेंट ले लूँ कहाँ पे, मूवमेंट ले लूँ ए पॉइंट पे, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, जब मैं ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई एल, ये डब्ल्यू घूम रहा क्लॉक वाइज, तो डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस हो गई ए। इसका मतलब आर बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय एल हो गया क्या, अगर मेरी आर बी की वैल्यू आ गई तो पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये कैपिटल डब्ल्यू ही है ना, कंफ्यूज मत होना, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब मैं रखूंगा
तो आर ए प्लस डब्ल्यू ए बाय एल इक्वल टू क्या डब्ल्यू, और आर ए इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए बाय एल, और आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू ए बाय एल एलसीएम लेने पे, और आर ए इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन निकाल दिया, एल नीचे रखा, एल माइनस ए। इस डायग्राम में अगर देखूं ये एल है ये ए है तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई बी, तो इस आर ए को मैं लिख सकता हूं वॉट डब्ल्यू एल L माइनस ए को B, तो डब्ल्यू बी बाय एल लिख सकता हूं इसको, इसको डब्ल्यू ए बाय एल लिख सकता हूं। जब ये आ गया तो मैं कहां पे मूवमेंट की बात कर दू, मैं बात कर दू इस C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे मूवमेंट ले लो, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट C, तो C पॉइंट तक मुझे क्या दिख रहा वो बनाऊंगा, तो RB की वैल्यू आई डब्ल्यू ए बाय एल, ये डिस्टेंस मैंने मानी B, यहां C पॉइंट है जहां W लग रहा, तो यहां मोमेंट कितना हो जाएगा MC पे RB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस B, यही होगा, तो MC इक्वल टू RB माने WA बाय L इंटू B, और हमने यही लिखा था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर पॉइंट लोड इसेंट्रिकसिटी है तो जो मैक्सिमम मोमेंट आ रहा था वो क्या मैं WAB बाय L लिख रहा था। तो इसमें कुछ नहीं किया, ये फर्स्ट ईयर वाली चीजें, ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूं, खाली इसको एज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूं। ये इसलिए सिखा दे रहा हूं कि आपको मालूम होना चाहिए फिक्स्ड मोमेंट कैसे सॉल्व होगा, तो ये तरीका ऐसा ही है, कुछ नहीं किया अभी, तो फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन किया, बस इस फिक्स को पहले ही मान लिया कि ये सिंपली सपोर्टेड है, और रिएक्शन निकाल दिया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, मूवमेंट लिया तो ये आर बी एंटी क्लॉकवाइज, आर बी इंटू लेंथ एल और ये डब्ल्यू इंटू लेंथ ए, वो किया तो आर बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय एल हो जाएगा, पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आर ए प्लस डब्ल्यू ए बाय एल इक्वल टू डब्ल्यू, और आर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाय एल, सॉल्व करूंगा तो आएगा डब्ल्यू एल कॉमन निकाल लिया एल माइनस ए, और इस डायग्राम में ये एल है ये ए है, एल में से ए हटा दिया तो कौन बचा बी, तो डब्ल्यू बी बाय एल, और अब मुझे क्या बनाना है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो इस सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट तक लूंगा क्योंकि सी पे ही बनाना है, तो ये दिखेगा आरबी, आरबी घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई बी, आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई बी, आर ए की वैल्यू आई डब्ल्यू ए बी सॉरी डब्ल्यू ए बाय एल और इंटू बी, इसलिए अपन फ्री एंड मूवमेंट में जब भी पॉइंट लोड लगता था डायरेक्ट कितना लिख दे रहे थे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू ए बी बाय एल, वही यहां से आता है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, ये एग्जाम में एक आध बार कभी पूछा होगा तो पूछा होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे निकलता है ताकि कभी कोई क्वेश्चनिंग करे तो आपको समझ में तो आए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसलिए बता दे रहा हूं, बाकी फॉर्मूला ही डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाना है। आगे सॉल्व करता हूं इसको, तो अब मैं बना देता हूं इसी का, इसी को आगे सॉल्व करके इसका मैं बना देता हूं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसको जब मैं बनाऊंगा फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो मेरा कैसा बनेगा वो बना देता हूं, उसका एरिया लिख देता हूं, ये था W, तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब मैं इसका बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कि कोई लोडिंग नहीं है, ये वैल्यू आ गई डब्ल्यू ए बी बाय एल, ए पॉइंट का मोमेंट, और क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है तो ए और बी पॉइंट पे मोमेंट तो जीरो ही होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सी पॉइंट पे कितना आया डब्ल्यू ए बी बाय एल, दोनों के बीच में कुछ नहीं इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, दोनों के बीच में कुछ नहीं इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इसकी लेंथ हो गई साहब एल पूरी, लेकिन ये सेंटर पे नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सेंटर पे नहीं लग रहा, तो ये डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सेंटर पे नहीं लग रहा, ये सेंटर पे नहीं लग रहा, तो इसकी सीजी जो आप लिखते थे वो एल बाय टू नहीं लिखोगे, ये थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का बेसिक सिविल इंजन बेसिक मैकेनिक्स लगेगा सीजी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी ए थी, ये डिस्टेंस आपकी L थी, ये B थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब इसमें मेरे को क्या दिक्कत आएगी उसकी बात करता हूं। अब CGMI का थोड़ा सा अगर मुझे कंसेप्ट मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल देता हूं कोई दिक्कत नहीं, तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम का अगर एरिया है तो A लिख दिया, एरिया कितना होगा ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया जो हो गया 1/2, बेस की बात करूंगा इस ट्रायंगल का तो बेस हो गया पूरा की पूरा एल, और हाइट कितनी हो गई, तो हाइट हो गई इसकी डब्ल्यू ए बी बाय एल, एल से एल कैंसिल कर दूं तो एरिया आ गया डब्ल्यू ए बी बाय टू, एरिया आ गया डब्ल्यू ए बी बाय टू इक्वेशन नंबर टू। इसमें किसी को कोई दिक्कत?
एरिया आ गया डब्ल्यू ए बी बाय टू। अब बात आती है सीजी की, तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा हो इस तरीके के ट्रायंगल का, अगर ये एरिया ध्यान से देखना, ये ए है, ये लेंथ सी है, तो इस छोटे वाले पॉइंट से अगर इसका नाम ए बी सी थोड़ा सा, या एम एन ओ लिख देता हूँ, ए बी सी में कन्फ्यूजन होगा, तो इसका जो सी जी होता था वो यहाँ कहीं लाई करता था, और इसका सी जी इस पॉइंट से कितना होता था, आप नहीं भी पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, इस तरीके के ट्रायंगल का, सेंट्रल का नहीं, सेंट्रल का तो सीधे एल बाई टू हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, लेकिन कंसंट्रेटेड लोड है और इसेंट्रिक है, तो उस केस पे छोटे वाली डिस्टेंस अगर ए है, ये पूरी सी है, तो इसका सी जी होता है ए प्लस सी बाय थ्री, इसका सी जी होता है ए प्लस सी बाय थ्री। तो आपके केस में कितना हो जाएगा, तो आपके केस में ये तो आपका बेसिक है ना, ये क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है सीजीएमआई का, बेसिक कंसेप्ट है सीजीएमआई का, तो ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इस केस में, आपके इस केस में एक्स बार कितना होगा, ये बेसिक कंसेप्ट है इसलिए डब्बे में लिख दिया। इस केस में आपका देखें, सी की जगह लेंथ दी हुई है एल, तो और ए की जगह तो ए ही दी हुई है, तो ए प्लस एल बाय थ्री लिखूं तो ये क्या मेरा गलत हो जाएगा, ए प्लस एल बाय थ्री लिखूं तो क्या ये मेरा गलत हो जाएगा, अगर मैं ए प्लस एल बाय थ्री लिखूं, इस डायग्राम को देखो, सी की जगह मेरी लेंथ है एल, ए की जगह तो ए था, तो ए की जगह तो ए था, सी की जगह कितना हो गया एल, तो ए प्लस एल बाय थ्री, क्या इस इक्वेशन से मुझे कोई दिक्कत है, इसको इक्वेशन नंबर तीन डाल दी। ये मैंने क्या बनाया, मैंने फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में, इस फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का टोटल एरिया निकाला डब्ल्यू ए बी बाय टू, और इसी फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में इसकी सी जी कहाँ लाई करेगी, तो वो करेगी अगर इस तरीके का ट्रायंगल है, सेंट्रल ट्रायंगल नहीं है, सेंट्रल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तब तो एल बाय टू होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का होगा, अगर आपका ये छोटा वाला साइड ए है, ये पूरा सी है, तो ये होगा ए प्लस सी बाय थ्री, ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आपकी पहली स्टेप ही चल रही थी, अब सेकंड स्टेप आपको सॉल्व करनी है आगे, तो सेकंड स्टेप इसकी क्या होती है, अब आपको रिलीज करना पड़ेगी फिक्स्ड एंड मूवमेंट और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो रिलीज करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो अभी किसका कर दूं, अभी मैं ड्रॉ फिक्स बेंडिंग मोमेंट बनाता हूं इसका, तो मेरी स्टेप टू हो जाएगी, मेरी स्टेप टू हो जाएगी ड्रॉ फिक्स्ड एंड बेंडिंग, फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट है ना, तो फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करूंगा, इसको रिलीज करके मोमेंट लगा दूंगा, तो कितना मोमेंट आएगा, तो साहब ये मोमेंट आया एम ए, ये मोमेंट आया एम बी, जब डायग्राम बनाऊंगा तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि मेरा एम ए बड़ा होगा एम बी से, क्यों बड़ा होगा, मैंने समझाया कि ए वाले पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट के करीब में है लोड, और जहां लोड करीब होगा वही रोटेट करने की चांसेस ज्यादा रहेगी, जहां लोड जिसके नजदीक होगा वही मूवमेंट ज्यादा आएगा, क्योंकि यही ज्यादा वेयर करना है, इसलिए इस केस में मेरा एम ए बड़ा होगा एम बी से, अगर ये डब्ल्यू एल बाय टू का इस तरफ होता तो एम बी बड़ा हो जाता, तो इस केस पे जब मैं डायग्राम बनाऊंगा मुझे वैल्यू तो मालूम नहीं है, एम ए को मैंने बड़ा कर दिया, एम बी को छोटा कर दिया, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या, एम ए को बड़ा कर दिया, एम बी को छोटा कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत, क्यों बड़ा छोटा होगा, क्योंकि ये लोड ए की तरफ है, जहां तरफ लोड ज्यादा वहां मूवमेंट भी ज्यादा, जहां उसके वाइस वर्सा, जहां से लोड दूर वहां मूवमेंट कम, तो एम ए एम बी ये हो गया। अब इस डायग्राम का भी एरिया निकाल दूंगा, अब मैं इस डायग्राम का भी एरिया निकाल दूंगा, तो एरिया इसका निकालता हूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो मेरा फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना आ जाएगा इस केस पे, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल आपको मालूम क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता था, अगर मैं बात करूं बेसिक की, तो ये बेसिक डब्बे में बना रहा हूं कि इस तरीके से अगर मेरा ये डायमेंशन ए था, ये डायमेंशन बी था, ये हाइट एस थी, तो जो इसका एरिया होता था वो होता था सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ए प्लस बी बाय, ए प्लस बी बाय टू इंटू हाइट एच, ये ट्रेपेजियम का एरिया होता है, आप कहीं से भी चेक कर लीजिए,
सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इनटू एच, ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा। और इसकी सीजी की अगर मैं बात करता हूं, इसकी सीजी की अगर बात करता हूं तो छोटे वाले साइड का 2 टाइम्स होगा, इसकी सीजी की अगर मैं बात करता हूं तो छोटे वाली साइड का 2 टाइम्स होगा। तो इसकी सीजी की अगर मैं बात करूं तो छोटा वाला साइड है बी, या इस हिसाब से बोलूं तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा आपका बी प्लस छोटे वाले का 2 टाइम्स अपॉन बी प्लस ए इंटू एच बाय 3। ये सीजी भी आपको याद रखना है, फर्स्ट ईयर में अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो वैसे तो मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं भी मालूम है तो भी ये बेसिक अपने को याद रखने हैं, है ना। और ये अभी नहीं, आगे भी कहीं ना कहीं काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस केस पे ये बेसिक हो गया। और इसका एरिया अब मैं निकाल दूं इस ट्रेपेजियम का एरिया फॉर फिक्स के लिए, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है, तो आपके ए स्मॉल ए की वैल्यू एम बी है और इसकी बी है, तो मैं लिखता हूं एम ए प्लस बी बाय 2, तो एम बी प्लस एम ए बाय 2 इंटू कितनी हाइट हो गई, हाइट हो गई इसकी एल। यहां तक कोई दिक्कत? और इसकी सीजी तो और आसान है, छोटे वाले का 2 टाइम्स करना है, किसका 2 टाइम्स करना है, छोटे वाले का। तो छोटा वाला मतलब मैं यहां एक्स एफ बार की बात करूंगा, तो बी माने बड़ा वाला, तो बड़ा कौन, एम ए प्लस 2 टाइम्स छोटा वाला, तो एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू लेंथ बाय 3, तो एल बाय 3। तो ये चीज आप उतारें, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से देख ले। ये तो मैंने ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हुआ एल, हाइट हुई डब्ल्यू ए बी बाय एल, एल से एल कट गया, एरिया आया डब्ल्यू ए बी बाय 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने बोला ये सेंट्रल ट्रायंगल नहीं है, लोड सेंटर पे नहीं लगा, इसलिए इसकी सीजी एल बाय 2 ना होके क्या होगी, तो मैं इस तरीके के अगर बेसिक कंसेप्ट में जाता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की सीजीएमआई के, तो ये छोटा वाला साइड अगर ए है और पूरी लेंथ एल है या सी है, तो इसकी सीजी इस केस में होती है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सी बाय 3। फ्रॉम कहां से होती है ये ध्यान रखना, तो फ्रॉम छोटे वाले पॉइंट से, तो फ्रॉम एम से होगी बेटा, है ना, एन से उल्टा होता है, ठीक है। फ्रॉम किस पॉइंट से होगी, फ्रॉम पॉइंट एम से, समझाने के लिए लिखा हूं फ्रॉम पॉइंट ए, और ये सीजी कहां से होगी, फ्रॉम पॉइंट यहां ए से, ये सीजी थोड़ा सा हमें मालूम होना चाहिए। तो मैं आगे बात करता हूं, तो यहां से मैंने ए प्लस सी बाय 3 कर दिया, तो ए इस डायग्राम में भी ए तो ए था और सी की जगह कितनी वैल्यू थी एल, तो ए प्लस एल बाय 3, ठीक है। एरिया तो निकाल ही चुका, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आगे चलूं तो मैंने बोला कि चूंकि ये मेरा जो लोड है वो ए पार्ट के बाद ज्यादा है, जिसकी तरफ लोड ज्यादा होगा मोमेंट भी ज्यादा होगा, तो मैंने बोला एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, स्टेप सेकंड में एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, तो एम ए बड़ा बना दिया, एम बी छोटा बना दिया, डायग्राम ज्वाइन किया, तो आपका ये ट्रेपेजियम बन गया। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ द पैरेलल साइड बाय 2 इंटू हाइट, तो पैरेलल साइड एम बी और एम ए हुई, तो वही अगर ए और बी के हिसाब से कंसेप्ट की बात करें तो ए प्लस बी बाय 2 इंटू एच, और इसका सीजी कितना हो जाता है, छोटे वाले का 2 टाइम्स ऊपर आएगा, तो बी प्लस 2 ए बाय बी प्लस ए इंटू एच बाय 3। वही मैंने इस डायग्राम को शो किया, तो ए एफ मतलब फिक्स के लिए क्या हो जाएगा, सम ऑफ दिस पैरेलल साइड, तो एम ए प्लस एम बी बाय 2 इंटू हाइट की जगह हो गई लेंथ, और सीजी भी वही बड़ा वाला एम ए प्लस छोटे वाले का 2 टाइम्स एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू एल बाय 3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 और 5 दिया, इसको मैंने इक्वेशन 4 और 5 दिया। किसी को कोई दिक्कत, इसको उतारें जल्दी वीडियो रुक कर, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो क्या करना है, एरिया को एरिया से इक्वेट कर लो एक बार। जब मैं एरिया को एरिया से इक्वेट करूंगा, मतलब इक्वेशन नंबर 2 और 4 की बात करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 और 4 से क्या हो जाएगा देख लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 को जब मैं देखता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 और 4 के हिसाब से मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4, मतलब एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दोनों में अज्यूम करके एनालिसिस करते हैं, इसलिए बराबर ही मान के चलते हैं। तो इसका एरिया आया साहब डब्ल्यू ए बी बाय 2, और ए एफ का एरिया आया
एम बी प्लस एम ए बाय टू इंटू एल, ये टू से टू कैंसिल हो गया और एल को चाहूं तो यहां कर दूं, तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी ए बाय एल, इक्वेशन नंबर ए डाल दूं, चाहो तो पांच छह डाल दो, ए तो मैं समझाने के लिए डाल दिया हूं, इक्वेशन नंबर ए डाल दो तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन एम ए और एम बी हुआ, अभी तो मुझे दोनों की वैल्यू चाहिए, मतलब एक इक्वेशन से काम इस वाले में नहीं चलेगा, तो दूसरा सेम क्योंकि उसी मेंबर की पूरी बात कर रहा है, तो इन दोनों का सीजी भी आपस में बराबर होगा, तो इस केस में मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर थ्री इक्वल टू इक्वेशन नंबर फाइव, या एक्स बार इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स बार, क्योंकि एक ही मेंबर की बात कर रहा है, एक ही लोड की बात कर रहा है, तो ये इसका तरीका ही है सॉल्व करने का, तो इसको सॉल्व करके वैल्यू बताते हैं कितनी आ रही है, तो दूसरी इक्वेशन के हिसाब से मेरा x बार उधर कितना आया था, उधर आया था a प्लस सी बाय a प्लस एल बाय थ्री, यही आया, इक्वल टू xf की वैल्यू आई एम ए प्लस टू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी इंटू एल बाय थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तब जाके मेरा काम चलेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो अब इसको सॉल्व करना है एम एम बी के टर्म पे और सॉल्व करके वैल्यू देनी है, ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, क्या वैल्यू मिलती है मैं देख लेता हूं, और सॉल्व करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ जाएंगे एम ए और एम बी के, तो इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये थ्री से थ्री पहली फुर्सत में कैंसिल हो गया, चाहूं तो इसको यहां इंटू कर दूं, तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व करना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरा a इंटू एम ए प्लस एम सॉरी एम ए प्लस एम बी इंटू ए प्लस एल, और ये इधर से क्या हो जाएगा एम ए प्लस टू एम बी इंटू एल, अंदर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा a इंटू एम ए प्लस ए इंटू एम बी प्लस एल इंटू एम ए प्लस एल इंटू एम बी, इधर से इंटू किया तो m इंटू एल प्लस टू एम बी एल, ये हो जाएगा एम ए एल से एम ए एल कैंसिल हो गया, इधर से देखता हूं तो a एम ए प्लस ए एम बी प्लस एम बी एल है ना, और इधर भी क्या हो जाएगा इक्वल टू टू एम बी एल हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत, और क्या सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने बोला क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से मैं बोल सकता हूं कि साहब ए एम ए तो वैसे ही रख दूं प्लस ए एम बी वैसे ही रख दूं प्लस ये एम बी यहां ले आऊं या वहां भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2MBL माइनस MBL हो जाएगा, तो AAM प्लस AMB इक्वल टू MBL हो जाएगा प्लस का, ठीक है, अब इस केस में और क्या कर सकते हैं, इस केस में MBL को यहां से लिया या इस A को कॉमन निकाला, MA प्लस MB इक्वल टू MBL हो गया, और MA प्लस MB इक्वेशन नंबर A से क्या बोल दूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A मेरा A इंटू MA प्लस MB की जगह लिख सकता हूं WAB बाय L इक्वल टू MB इंटू L, तो MB इक्वल टू व्हाट, A से A इंटू हुआ तो WA स्क्वायर इंटू B, और ये L इंटू L होगा तो L स्क्वायर, ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर ए बी, तो सी डाल दो, और अब मैं पुट कर दूं, मतलब मुझे फिक्स्ड एंड मोमेंट मिल गया बी पॉइंट पे डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, कितना मिल गया डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और अब पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो मुझे एम ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैंने ला पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर ए, तो ए इक्वेशन क्या थी मेरी, इक्वेशन एम ए प्लस एम बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल है, और एम बी की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, एम बी की वैल्यू है डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, और ये डब्ल्यू ए बी बाय एल ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, कॉमन निकालता हूं कुछ कुछ
तो कुछ कुछ कॉमन निकालो या एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, चलो पहले कॉमन निकालो, तो डब्लू कॉमन निकल जाएगा, एक ए कॉमन निकल जाएगा, एक बी कॉमन निकल जाएगा और एक एल कॉमन निकल जाएगा। अंदर बचेगा ये तो पूरा कॉमन निकल गया वन, यहां से देखें डब्लू निकल गया, ए स्क्वायर में से एक ए बचेगा, बी निकल गया तो ए बचेगा अपॉन एल। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल और एल माइनस ए। फिर से डायग्राम में अगर मैं जाता हूँ समझने की कोशिश करता हूँ तो डायग्राम मेरा क्या था, मैंने मिटा दिया है, आप लोग के पास है लेकिन तब भी आप देखना चाहे तो देख लें। तो आपने ऐसा बोला था ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये आपका W है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, टोटल लेंथ L है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर L में से A माइनस कर दूं तो कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। तो A में से मैंने L माइनस किया तो B, तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय L। इसका मतलब फिक्स्ड एंड मोमेंट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आप समझो कि इतनी मेहनत करके क्या मैं वहां फॉर्मूला रखने जाऊंगा, नहीं, मेरे को फॉर्मूले याद रहेंगे और मैं वहां पुटअप कर दूंगा। तो केवल और केवल फॉर्मूले कहां से आए, किस कंसेप्ट से आए, वो समझाने के लिए मैंने दो क्वेश्चन कर दिया। पहला क्वेश्चन इसलिए कर दिया कि सेंट्रल लोडिंग थी, नहीं तो आप बोलो अरे सर सेंट्रल लोडिंग थी तो सीजीवीजी तो ऐसे ही लग गया थक से, इसलिए दूसरा भी करा दिया। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको उतार लीजिए और इसी उससे, इसी दोनों फॉर्मूले से मैं चाहूं तो पुराना सेंट्रल वाला भी प्रूव कर सकता हूं। देखो आप लिखो इसको पहले, वीडियो रोक के। तो ये केवल इसलिए करा रहा हूं कि आपको नहीं लगे कि कहां से आता है क्यों आता है ना, ये इसलिए करा रहा हूं कि आपको मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। खुदा ना खास्ता कभी पूछ लिया तो देखा हुआ होता है तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, है ना, इसलिए करा रहा हूं। बाकी न्यूमेरिकल में तो डायरेक्ट वैल्यू ही रखनी है, कैसे याद रहेगी वो भी अपन बात कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको अगर कोई दिक्कत है तो यहां से एक बार फिर से देखता हूं। इक्वेशन दो और चार, एरिया एरिया को बराबर किया, ये एरिया था डब्ल्यू ए बी बाय टू, ये एरिया था एम बी प्लस एम ए बाय टू इंटू एल, टू से टू कैंसिल हो गया, एल को नीचे पहुंचा दिया, तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल, इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली सी जी डिस्टेंस, क्योंकि आप एक ही बीम को दो तरीके से कंसर्न कर रहे हो और एज्यूम ही कर रहे हो, इसलिए इसका सी जी भी बराबर मान के चलता और बेंडिंग मोमेंट की ही बात कर रहा था, पर कंबाइंड डायग्राम बनाओगे तो दोनों को इनफैक्ट मुझे मालूम होने चाहिए। तो एक्स बार और एक्स एफ ए, तो एक्स बार था ए प्लस एल बाय थ्री और एफ एक्स एक्स एफ बार हो गया एम ए प्लस टू एम बी बाय एम ए प्लस एम बी बाय एल, थ्री से थ्री कैंसिल किया, नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसका इंटू यहां चला जाएगा, एल का इंटू अंदर, तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू ए प्लस एल और यहां एल से इंटू करूंगा, ए का अंदर इंटू किया तो ए एम ए प्लस ए एम बी प्लस एम ए एल इंटू एम बी एल इक्वल टू एम ए एल प्लस टू एम बी एल, एम ए एल एम ए एल प्लस प्लस था यहां से काट दिया, ए एम ए एम बी प्लस एम बी एल इक्वल टू टू एम बी एल बचा, इस एम बी एल को वहां शिफ्ट किया तो ए एम बी प्लस ए एम बी इक्वल टू यहां से एक एम बी एल बचेगा, ए कॉमन लिया तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू एम बी एल आ गया। और जो मैं इक्वेशन नंबर ए से बात करूं तो इस एम ए प्लस एम बी को क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू ए बी बाय एल और ये एल नीचे चला जाएगा तो एम बी हो गया मेरा फिक्स्ड एंड एट पॉइंट बी, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया तो एम ए प्लस एम बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल था, तो एम ए प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल, और इसको जब उधर शिफ्ट करूंगा तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय एल माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, डब्ल्यू ए बी बाय एल कॉमन निकाल लिया तो ये डब्ल्यू निकला, ये ए निकला, ये बी निकला, एल निकला, तो यहां तो बचा वन, ये W निकल गया, B निकल गया, एक L निकल गया तो एक L बचा और एक A निकला तो एक A बचा। सॉल्व किया डायग्राम में देखा तो ये पूरा L था, ये A था, L में से A माइनस किया तो B बचा, तो L माइनस A को मैंने लिख दिया B, तो एम ए मूवमेंट एट A कितना हो जाएगा, तो मूवमेंट एट A मेरा डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो सकती। आपको बेसिकली कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ये सब प्रूफ नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर गलती से आ गया तो प्रूफ कर देना, कंसेप्ट ही मेन था, कंसेप्ट मालूम होना चाहिए था, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर के टाइम पे जब टाइम बचाना, सब कुछ बचाना, नंबर नहीं कटता कि एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, तो उस केस में ये सब भी कैलकुलेट करके देना, ये नहीं देना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कहाँ से आया
ये दिखाने के लिए डायरेक्ट किताब में डायरेक्ट वैल्यू लिख देता, ये वैल्यू कहां से आई वो बताने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी फिक्स्ड एंड मोमेंट की। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा था कि इसी को अगर मैं सर नहीं, मैं तो वो एल वाला डब्ल्यू एल बाई एट यहीं से निकालना चाह रहा था तो निकल जाता। इसको मिटाता हूं तो सर दो वैल्यू आ गई। अभी मैंने साइन कन्वेंशन की बेटा कहीं बात नहीं करी कि क्या माइनस आएगा क्या प्लस, मैं तो केवल अभी आपको दिखा रहा। तो एम ए इक्वल टू मैंने बोला डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो गया सर, और एम बी इक्वल टू सर डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर हो गया। कैसे याद करना वो अभी बता दूंगा, है ना, ये तो कहां से आया वो। अब मैं बोलता कि सर ए एल बाय टू और बी एल बाय टू सेंट्रल लोड हो, इसका मतलब मैं पुरानी कंडीशन में आ गया, तो मैं क्यों वो डब्ल्यू एल बाय एट याद करूं अगर नहीं करना। तो इसका ए एल बाय टू हो गया बी एल बाय टू हो गया सर, इसी फॉर्मूले में पुट कर देता हूं ना, तो ए इक्वल टू बी एल बाय टू बी इक्वल टू बी एल बाय टू, अल्टीमेटली वही फॉर्मूला आएगा जो आपने पीछे ड्राइव किया था। तो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू, ए की जगह रखा एल बाय टू, बी की रखा एल बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो एम ए इक्वल टू ध्यान से देखूंगा तो डब्ल्यू इंटू एल बाय टू इंटू कितना हो गया एल स्क्वायर बाय फोर अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर दो तो बेटा डब्ल्यू एल बाय एटी आया। तो वही जो सेंट्रल लोड के लिए याद किया था, याद नहीं करना पड़ेगा, अगर ये याद है तो काम चल जाएगा। सिमिलरली एम बी इक्वल टू कितना था, एम बी इक्वल टू आपका हो जाएगा डब्ल्यू, एम बी इक्वल टू कितना प्रूव किया डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर, यहां भी वैल्यू पुट कर दो तो डब्ल्यू ये हो जाएगा एल बाय टू का होल स्क्वायर इंटू बी भी हो गया एल बाय टू अपॉन एल स्क्वायर। तो एम बी इक्वल टू बी सर डब्ल्यू इंटू एल का स्क्वायर बाय फोर इंटू एल बाय टू अपॉन एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो एम बी इक्वल टू कितना हो गया डब्ल्यू एल बाय एट हो गया। इसका मतलब सर कि मुझे अगर ये फॉर्मूला याद है तो सेंट्रल वाला याद करने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल वाले की याद करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ सर मेरी इच्छा कि जो मैं फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या मैक्सिमम बनाता हूं सर, वो भी तो मुझे मालूम है कि इसके लिए डब्ल्यू ए बी बाय एल होता है सर, तो क्या मैं इसी को ए को एल बाय टू पुट करूंगा और बी को एल बाय टू पुट करूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो बिल्कुल चल जाएगा, डब्ल्यू इंटू ए की जगह एल बाय टू, बी की जगह एल बाय टू बाय एल, एल से एल कैंसिल कर दिया, तो जब भी मेरा सेंटर होगा, सेंटर पे लोड लगेगा तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू एल बाय फोर आएगा। पुराना क्वेश्चन उठा के देखना, समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे आज समझ में आ गया कि फिक्स्ड मोमेंट मुझे करना तो एग्जाम में याद है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मुझे समझ में आना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हमारा छूट गया। एक तो इस मेथड से आप फिक्स्ड मोमेंट निकाल सकते हो, और दूसरा निकाल सकते हो कॉलम एनालॉजी मेथड से, जो यूनिट नंबर थ्री का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड मोमेंट है, ये इस तरीके से आता है, लेकिन अब ये आता कैसे है वो मैंने बता दिया, हमें याद करना है वो जरूरी है। ठीक है, तो इसको चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम्पल समझ के, यही मैंने पुराना अभी पिछले वाले में सेंट्रल लोड में प्रूफ किया था, लेकिन सेंट्रल लोड की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ये तो मैंने समझा दिया कि अगर ये दो भी याद रहेंगे तो काम चल जाएगा, तो ये तो मेरी ट्रिक्स फिक्स हो गई। तो मतलब सर फिक्स्ड मोमेंट अल्टीमेटली तो मुझे समझ में आ गया कि कहां से आता वो तो मैं समझ गया, उसके लिए इतना एक डेढ़ दो पन्ने का क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा मैं याद कर लूंगा, ये मेरा जरूरी है। ठीक है, और याद होना भी चाहिए क्योंकि ये है, इसके बाद स्लो रिफ्लेक्शन मेथड है, टॉस टू में जाओगे तो कानीज मेथड है, सब में ये फॉर्मूले लगेंगे और बार बार यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आता कहां से वो आपको मालूम होना चाहिए, तो वो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो इसको उतारना तो उतार लीजिए, दो मिनट वीडियो रोक के। तो अब मुझे कहानी समझ में आ गई कि सर इतनी मेहनत करने से कुछ फायदा है क्या, तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो फायदा है ना, खाली इसी को ड्राइव करने का। दूसरा फायदा यह है कि बेटा नॉलेज है, जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना अच्छा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि रट के आया, आपको मालूम है कंसेप्ट और मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या है कि जब हम बेसिक करते हैं तो हमें अच्छा भी लगता है कि हमने कुछ बेसिक सीखा और बेसिक की एप्लीकेशन से आगे बढ़ रहे हैं। ये सब कहां से, सड़ा एसएफडी बीएमडी जो बहुत टफ भी है अगर नहीं पढ़ो तो, और सीख लिया और हमने बेसिक पढ़ लिया तो बहुत आसान भी है ना, उसी का एडवांस एंड एडवांस फॉर्म चलता रहेगा टॉस। ठीक है, तो सर अब हम तो बोलते हैं सर फॉर्मूला याद करेंगे फिक्स्ड मोमेंट, अगर पूछता है तो फिक्स्ड मोमेंट में वो डेफिनेशन कैसे प्रूफ होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब अल्टीमेटली सर फॉर्मूला कैसे याद रखना है और साइन कन्वेंशन,
सबसे ज्यादा माइनस प्लस कब लेना है, तो बेटा उसके लिए टेंशन नहीं लोगे। साइन कन्वेंशन में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो माइनस, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो सर मैं माइनस ले लूंगा, खत्म कहानी, और राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो प्लस ले लूंगा, खत्म। ये साइन कन्वेंशन है, रीजन तो वही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब उसको देखते हैं तो आती है वो वैल्यू, ठीक है। तो वो अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं फाइनली क्या लिख रहा हूं, जो इतनी मेहनत से फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाले थे वो कैसे हो जाएंगे, वो उसी का मैं टेबल लिख दे रहा हूं। आपको बेसिकली वैल्यू याद होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर करके हो जाती है, सीरियल नंबर की तो जरूरत भी नहीं है, तब भी लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ लोडिंग लिखता हूँ यहाँ, टाइप्स ऑफ लोड, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्या लिखूंगा, अगर ए बी स्पान है तो एम ए की वैल्यू है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, और जब राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो क्या वैल्यू होगी, एम बी की वैल्यू। और मैक्सिमम तो मैं बेटा पहले भी बात कर चुका हूँ, फ्री बेंडिंग मोमेंट की, फ्री बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू होगी उसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन देख लेते हैं कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैंने इतनी मेहनत से याद करा उसी को लिखता हूं। तो मैंने बोला कि अगर कोई फिक्स्ड एंड है, नहीं भी होता तो मान के चलते हैं, ये पॉइंट है, लोड है W, ये लेंथ है A, ये लेंथ है B, और ये हो गया L, तो सर याद कैसे रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने बोला एम ए, मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो माइनस, ठीक है सर। इधर चला तो सबसे पहले कौन आएगा, ए, तो मैंने लिखा डब्ल्यू ए, बचे का स्क्वायर माने बी का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ऐसे याद कर लूंगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, पहले ए जो पहले आ रहा है उसका स्क्वायर नहीं, बचे का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, यहां कौन पहले आया सर, बी, तो मैंने लिखा पहले राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो प्लस साइन, डब्ल्यू बी, बचा कौन सर, ए, तो ए का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, कोई बड़ी बात क्या, इतनी फॉर्मूला ड्राइव करने से अच्छा याद करना है, फिर से देख लो, लेफ्ट टू राइट हमेशा माइनस लूंगा, राइट टू लेफ्ट प्लस लूंगा, एक्सेप्ट मूवमेंट, मूवमेंट में कपल क्या आएगा उसके हिसाब से साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो ए आया, तो डब्ल्यू ए, बचे का स्क्वायर, तो बचा कौन, बी, बी का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जब राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो वाले आएगा बी, तो डब्ल्यू बी, बचा माने ए, तो ए का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, खत्म कहानी, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। सेंटर के लिए वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसी पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, और याद हो तो याद कर लो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आपका ए की जगह एल बाय टू रख देना, बी की जगह एल बाय टू रख देना, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला ड्राइव होगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। करके दिखाया था, तो माइनस सेंटर पे अगर लोड लग रहा है डब्ल्यू एल बाय एट, और एम बी प्लस डब्ल्यू बाय एल एट, और मैक्सिमम की तो मैंने बात ही नहीं करी, इसके मैक्सिमम की बात करता हूं पॉइंट लोड पे, तो मेरे को मालूम है कि इसकी वैल्यू भी मैंने ड्राइव करी थी WAB by L, और इसके लिए मैंने ड्राइव करी थी WL by 4, है ना, और नहीं भी बनता ये तो मेरे क्या है, सिंपल मोमेंट निकाले थे वही है। सर तीसरा लोड UDL, सर तीसरा लोड UDL, तो UDL भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, W लेंथ L, आपने सिंपली सपोर्टेड के लिए तो मैक्सिमम मालूम है WL square by 8 है, तो फिक्स के लिए और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो बस माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो पहले भी था, एट लगाता है तो सिंपली सपोर्टेड फिक्स है तो बढ़ा के 12 हो जाता बस, ठीक है। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और एम बी प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, अगर ये सिंपली सपोर्टेड तो 8, सिंपली सपोर्टेड नहीं तो 12, ऐसे याद रख लो। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो कुछ भी कर लो बेटा, वैल्यू आएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर सर कपल और बताओ ना, सर कपल बना लेता हूँ, कपल की डायरेक्शन का पूरा खेल है ना, कपल की डायरेक्शन का पूरा खेल है, कपल अगर आपका क्लॉकवाइज लगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज लगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, लगने दो। मैंने बोला एम ए, मैं तो सर माइनस लगा दे रहा, मेरा पहला काम है कि लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो सर माइनस लगाना है, मेरा पहला काम है कि सर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेरा माइनस है, मेरा पहला काम है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो सर माइनस आएगा, ये मेरा पहला काम है, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया ब्रैकेट,
कपल कैसे घूम रहा बेटा? क्लॉकवाइज, मुझे मालूम है राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो सर मेरी मजबूरी है, म्यू माइनस लिखूंगा, मेरी मजबूरी है, म्यू क्या लिखूंगा, माइनस। अब यहां चला, अब मैं यहां चला तो फिर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो पहले आएगा ए, तो थ्री ए माइनस एल, थ्री ए माइनस एल बचा डायमेंशन बी अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, क्या कर दिया, लेफ्ट टू राइट जा रहा था तो माइनस, कपल क्योंकि राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव लेता है इसलिए माइनस म्यू, इधर गया तो पहले ए आया तो ए ज्यादा टाइम, तो थ्री ए माइनस बचा, थ्री ए माइनस एल बचा हुआ बी अपॉन एल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली एम ए इक्वल टू प्लस म्यू इंटू थ्री ए माइनस एल इंटू बी अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, एम बी की बात करता हूं तो सर प्लस तो पहले आएगा, ठीक है प्लस आ गया, सर ये कौन सी साइड हो गया, सर लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो सर प्लस म्यू लिखूंगा, हाँ लिख दूंगा। सर यहां से चला तो कौन पहले, बी पहले, तो सर थ्री बी माइनस एल बचा ए अपॉन एल स्क्वायर लिख दूंगा, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां नोट डाल के लिखूंगा, यहां नोट डाल के लिखूंगा नोट, इफ कपल क्लॉकवाइज देन राइट टू लेफ्ट हो और लेफ्ट टू राइट हो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, तरीका वही है, कोई दिक्कत का नहीं। डायग्राम बनाना तो सर गया है डायग्राम की तो कोई बात ही नहीं सर, मैक्सिमम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, अगर ये ए है और ये बी है तो सर पहले आ जाएगा म्यू बी बाय एल, क्योंकि जब मोमेंट लेता हूँ यहाँ, और ये सर आ जाएगा म्यू बाय एल, है ना। अगर ये आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साइन उल्टे हो जाएगी, मतलब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव। यहां तक बनाइए, तो मेन आपके क्वेश्चन में ये चार तरीके के तो आपको दिखी जाएंगे, एडिशनल जो दिखेंगे वो ही बता रहा हूं, लेकिन याद रखने का फिर से एक बार तरीका देख लो कि ठीक है सर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो माइनस, राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो प्लस, साइन कन्वेंशन की जब बात करूंगा तो निकल जाता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट गया तो माइनस, राइट टू लेफ्ट गया तो प्लस, ये ध्यान रखना है पहली चीज। सर जब लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो ए आया तो डब्ल्यू ए बचे हुए का स्क्वायर माने बी का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जब लेफ्ट टू राइट आऊंगा सॉरी राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो पहले बी तो डब्ल्यू बी बचा माने ए का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, खत्म कहानी, मैक्सिमम तो वही रहेगा। अगर मैंने बोला सर ये लोड सेंटर पे तो इसी फॉर्मूले में ए और बी की जगह एल बाय टू रखना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाय एट और प्लस डब्ल्यू एल बाय एट, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं भी याद हो इससे काम चल जाएगा। UDL है तो सर UDL के लिए तो क्योंकि UDL सेम इंटेंसिटी का होता तो वैल्यू तो सेम ही आएंगी, कितनी आएगी तो सिंपली सपोर्टेड के लिए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 होता तो फिक्स के लिए 12 होगा, तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 और प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, है ना, वैल्यू तो सेम रहेंगी बस प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा। कपल के केस में अगर कपल क्लॉकवाइज है तो दोनों प्लस, कपल एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों माइनस, पहली चीज। लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले ए आएगा तो मैंने माइनस और प्लस का तो बता दिया, प्लस म्यू क्यों आएगा रीजन बता दिया, ए आया तो पहले थ्री ए माइनस एल बचा बी अपॉन एल स्क्वायर, सिमिलरली लेफ्ट टू राइट आऊंगा तो पहले बी आएगा तो म्यू क्योंकि क्लॉकवाइज कपल था तो प्लस म्यू क्या हो जाएगा, थ्री बी माइनस एल बचा हुआ ए अपॉन एल स्क्वायर। इसी किताब को बी यहां लिख देता, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको याद करने का तरीका बताया। ठीक है, इसके बाद एक लोडिंग और आती है वो मैं बना देता हूं, मिटा दूं इसको। तो ये फॉर्मूले याद एटलीस्ट इतने तो होने ही होने चाहिए, मिटा रहा हूं। ठीक है, ये याद होने चाहिए, कहां से प्रूफ हुआ बेटा वो मैंने समझाया, ज्यादा लोड नहीं लेना है, याद करना है, है ना, याद करने में कुछ नहीं, दो चार बार पांच बार जिस तरीके से मैं बताता हूं वैसे ही लिखोगे और क्वेश्चन में लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। कपल के केस में याद रखना, अगर आपका कौन सा कपल है, क्लॉकवाइज कपल है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दोनों वैल्यू नेगेटिव। ठीक है,
उसके बाद एक लोडिंग और है, टॉस वन में तो नहीं आई लेकिन टॉस टू में जरूर आई है, टॉस वन में तो नहीं आई लेकिन टॉस टू में जरूर आई है एक बार क्वेश्चन में, वो लोडिंग कहलाती है। और आपको पढ़ना है ही, जब तो मालूम होना ही चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हमें मालूम है यूवीएल है, इसकी वैल्यू यहां से कितनी होती है डब्ल्यू है, ये लेंथ मुझे मालूम है एल है, और मुझे मालूम है जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो पहले आएगा माइनस, तो एम ए की बात कर रहा और ये एम बी की, तो पहली फुर्सत में आएगा माइनस, W तो आएगा ही आएगा, यहाँ भी डब्ल्यू एल स्क्वायर वैल्यू तो रहेगी ही रहेगी, यहाँ भी डब्ल्यू एल स्क्वायर वाई वैल्यू तो रहेगी रहेगी, है ना, पॉइंट लोड के लिए। अब यहाँ भी वही छोटे पे बड़ी, छोटे पॉइंट पर कौन सी वैल्यू बड़ी, पर बड़ी वैल्यू, तो बड़े पे छोटी, बड़े पॉइंट पे छोटी। अब छोटी बड़ी कुछ नहीं है, 30 और 20 ही का डिफरेंस है, 30 और 20, ठीक है, 30 और 20, छोटी बड़ी 30 और 20, छोटी बड़ी 30 और 20 केवल इसका डिफरेंस है, छोटी बड़ी 30 और 20 है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, मैंने बोला छोटे पे बड़ी वैल्यू, तो 30 और 20 में बड़ी कौन, 30, तो 30 न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करता हूँ, नहीं तो आप बोले ये सर इसको डिवाइड करने पे तो ये कम होगा, वो तो ऑटोमेटिकली कम होगा, ये 20 और 30 का कन्फ्यूजन होता है, इसलिए समझाने के लिए बोलता हूँ कि पॉइंट अगर छोटा तो वैल्यू बड़ी, 20 और 30 में कौन बड़ी, 30, तो म्यू बी वैल्यू तो डब्ल्यू एल स्क्वायर आएगी बाय कितना 20। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो यहां बनाओ या दुनिया में बनाओ, बनेगा वैसा ही, कितनी वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9√3 से मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 9√3 से मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ये छोटे वाले पॉइंट से एल बाय √3 डिस्टेंस पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रायंगल लोडिंग कभी एक बार टॉस टू में ही पूछी थी, वन में नहीं पूछी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब, क्योंकि देखो मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाऊं, जब टॉस वन पढ़ा दिया उसने तो कोई भी सर बोलेगा टॉस वन में तो पढ़ाया था ना बेटा वही फॉर्मूला, और टॉस वन में नहीं पढ़ाया था तो सर खुजाओगे, तो इसमें तो और कुछ नहीं करना है, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 96, 5 यहां भी लिख देना और 5 वहां भी लिख देना, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस आएगा। ये फॉर्मूला बेटा याद करना ही है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे मालूम थी इसकी कितनी हो जाएगी, तो एक तो सेंटर पे लगेगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और ये कितनी डिस्टेंस पर लगेगा एल बाय 2। तो इन सब प्रथाओं को, इन सब को हम सुंदर सा बोलते हैं फिक्स्ड एंड मोमेंट। पॉइंट लोड में छोटे पॉइंट पे वैल्यू बड़ी, 20 और 30 दो ही वैल्यू थी, इससे पहले जब मैंने बात करी थी 6a/x की तो वहां 7/80 और आई समझ, 7/80 और 7/70 कुछ वैल्यू आ रही थी, वो क्यों आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी छोटे बड़े का, वहां भी मैंने बोला था तो छोटे पे बड़ी वैल्यू, इसलिए 80 डिवाइड कर रहा था और वहाँ 70। सेम यहाँ 30 और 20 है, जैसे ही जाएंगे अगर छोटा पॉइंट आएगा तो वैल्यू बड़ी, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30, और अगर यहाँ से आऊंगा तो वैल्यू बड़ी, तो यहाँ मतलब पॉइंट बड़ा तो वैल्यू छोटी, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट रहेगा फिक्स्ड एंड मोमेंट का, नेक्स्ट क्लास में इसी की आगे की डेफिनेशन कराऊंगा और मेथड कैसे सॉल्व करना वो कराऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आपको ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव किए वो देख लेना है, वो समझ में आना चाहिए और आगे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में इसमें स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बात करेंगे, देन उसकी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल चालू होंगे। लेकिन ये बेसिक आपको पढ़ते जाना और थ्री मोमेंट के क्वेश्चन लगाते जाना। थैंक यू।